इंट्रोड्यूसिंग मोटोरोला एज लाइट 5G। दोस्तों, मोटोरोला का एक मिड रेंज कैटेगरी का 5G धमाकेदार स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो कि होगा मोटोरोला एज लाइट। दोस्तों, ये फ़ोन अब TUV सर्टिफिकेशन पर भी ऐड हो चुका है, तो अब इस फ़ोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन लीक्ड हो चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ फ़ोन की कुछ हाइलाइट्स के बारे में, तो फ़ोन में आपको मिलेगी डुअल पंच होल सुपर एमोलेड 90Hz की डिस्प्ले। साथ में फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो दोस्तों, ये फ़ोन डायरेक्टली टक्कर देने वाला है OnePlus Z यानी कि OnePlus Note को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला एज लाइट के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और इसके डिज़ाइन के बारे में। तो फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी आपको हर बार की तरह काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। दोस्तों, अगर बात करूँ फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश। साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहले बात करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90Hz की डुअल पंच होल डिस्प्ले, जिस पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जहां पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक 5G और गेमिंग प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कोई भी गेम आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे। दोस्तों, फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम प्योर स्टॉक एंड्रॉयड के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4800 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, फ़ोन आने वाला है 3 रैम वेरिएंट में। पहला वेरिएंट होगा 6GB 128GB, दूसरा वेरिएंट होगा 8GB 128GB और तीसरा वेरिएंट होगा 8GB 256GB। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 25,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में जुलाई के एंड तक। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।